दाजी, अगर हिंदुस्तान में रहते हुए आप गाय को गौमाता नहीं मानते तो उसका मतलब आप सच्चे हिंदू नहीं हैं। आपकी जो ये बात है वो पॉलिसी का शिकार है। नमस्कार, ये thelalintop.com है। मैं आपके साथ नीरज हूँ। मेरे बगल में बैठे हैं दाजू यानी दर्पण साहब। आजकल दी ललन टॉप के न्यूज़ रूम में ये मेरे बगल में बैठते हैं और अक्सर कई मुद्दों को लेकर हमारी और इनकी बहस हो जाती है। मैं कुछ तर्क देता हूँ, ये प्रति तर्क देते हैं। जब मैं तर्क देता हूँ तो ये तर्क देने के तुरंत बाद कह देते हैं कि आप फॉल्सी का शिकार हो गए। फॉल्सी सुनने में नया सा शब्द लगा, पहले तो मुझे गूगल करना पड़ा। गूगल में मुझे इसका अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा मिला लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो दाजू से मैंने कहा कि फॉल्सी का असल में मतलब होता क्या है, तो मुझे समझाइए। इन्होंने 5 पन्नों का एक आर्टिकल लिख दिया जो thelalintop.com की वेबसाइट पर है। उसको मैंने पढ़ा, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आई, कुछ कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, जो मुझे दाजू समझाएंगे। देखिए, जब भी हम आपस में बातें करते हैं तो हमारा उद्देश्य बातें करने का और ख़ास तौर पर बहसों का उद्देश्य ये होता है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए जी। और यदि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की हमें जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है वो ये कि हमारी बातों में तार्किकता होनी चाहिए। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसी प्रश्न का आप उत्तर दें और रेसिप्रोकेट करें। अगर ये तार्किकता वहाँ से हट जाती है तो जो बातें हमारे बीच होती हैं या जो एक दूसरे के प्रति होती हैं वो अतार्किकता में आती हैं, ख्याति में आती हैं या फिर पॉलिसीज में आती हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे टीवी पर अक्सर आप बहस होते हुए देखते होंगे, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई तो बहस होने लगती है। एक पक्ष एक तरह के तर्क देता है, दूसरे पक्ष दूसरी तरह के तर्क देता है। गुजरात में बीजेपी जीत गई, कोई मार्जिनल जीत को होने के चलते एक तरह के तर्क देता है, कोई इसको हार के बराबर मानता है, उस तरह के तर्क देता है। आप कई लोगों के तर्कों से एकदम सहमत हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है और आप उसको सच मान लेते हैं। तो वो दरअसल सच होता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। उसमें कुछ अतार्किकताएँ भी होती हैं जो छिपी होती हैं, जो आपको समझ में नहीं आती हैं। जी, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ जिसमें आप अतार्किकता जो है बड़ी आसानी से समझ लेंगे। जी, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि कल मैंने आपको 2 रुपये दिए जी और आज मैं आपको 2 रुपये और देता हूँ, तो इस तरह आप मुझे 10 रुपये वापस करेंगे। तो इसमें अतार्किकता क्या है आप जानते हैं। दरअसल 4 रुपये मुझे देने चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मुझे 10 रुपये देंगे, तो इसमें आप साफ साफ कहेंगे कि ये जो बंदा है ये अतार्किक बातें कर रहा है। लेकिन हमेशा अतार्किकता जानना या पॉलिसी जानना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, तो उसी विषय में हम बात करेंगे जी। उसी पॉलिसी, इसी को पॉलिसी कहते हैं, जो अतार्किकता है किसी झूठी बात को सच्ची बात की तरह पेश करना, वो पॉलिसी है। उस पॉलिसी में आपने पहला नाम दिया है नो टू स्कॉट्समैन पॉलिसी। आप इन्होंने मोटा मोटा 5 बड़ी पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। पहली पॉलिसी यानी पहली अतार्किकता या पहला झूठा तर्क जिसे हम कहें वो है नो ट्रू स्कॉट्समैन पॉलिसी, राइट? नो ट्रू स्कॉट्समैन मतलब सच्चा स्कॉट्समैन नहीं है जी। मतलब क्या है इसका, कैसे समझाएंगे इसको? जी, मैं इसको स्कॉट्समैन के बदले यहाँ पे मैं एक अपने परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि मानिए आज सुबह मैं अखबार लेके बैठता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में यौन हिंसा की है, एक पुरुष ने पाकिस्तान में यौन हिंसा की है। मैं अखबार को फेंकता हूँ और मैं कहता हूँ कि कोई भी भारतीय ऐसा नहीं करेगा, गौर कीजिए मेरी बात पर। अगले दिन मैं देखता हूँ कि सफदरजंग में, दिल्ली के सफदरजंग में एक युवक ने 5 स्त्रियों के साथ यौन हिंसा की है। तो अब ठीक उसी तरह का मामला जैसा पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, अब मैं आज अपनी पुरानी बात को नहीं नकारूंगा। कल मैंने कहा था कि कोई भी भारतीय ऐसा नहीं करेगा जी, क्योंकि तो पाकिस्तान की घटना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी पुरानी बात को नकारूंगा, नहीं, मैं ये कहूंगा कि कोई भी सच्चा भारतीय, अब मैं सच्चा भारतीय कहने लगा, कोई भी सच्चा भारतीय नहीं करेगा। तो ये जब पहली बार ये जब पॉलिसी आई थी तो किसी आयरिश व्यक्ति ने ये पॉलिसी प्रतिपादित की थी, तो उसने यही सेम उदाहरण कहा था कि नो ट्रू स्कॉट्समैन विल डू दिस। कोई भी सच्चा स्कॉट्समैन ये
कार्य नहीं करेगा, अमुक अमुक कार्य नहीं करेगा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ नो ट्रू स्कॉट्समैन पॉलिसी के, और ये रियल लाइफ उदाहरण है। जैसे कि एक उदाहरण है, जिसने धर्म के लिए हथियार उठाए वो सच्चा मुसलमान नहीं है। देखिए, ये हम आए दिन सुनते रहते हैं। या फिर जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं होगा वही पाकिस्तान के एक्टर्स का बॉलीवुड में काम करने का विरोध करेगा। या फिर सच्चे राष्ट्रभक्त हो तो पढ़ते ही शेयर करो। तो ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, हमको रोज देखने में आते हैं, और ये नो टू स्कॉट्समैन पॉलिसी के अंतर आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके व्हाट्सएप पे, आपके फ़ोन पर एक ऐसा मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा है कि सच्चे भारतीय हैं तो तुरंत शेयर करें, सच्चे भारतीय हैं तो तुरंत लाइक करें, सच्चे हिंदू हैं तो तुरंत शेयर करें, तो उसके पीछे मत पड़िए, उसको सच्चा मत मानिए। ये एक पॉलिसी है, झूठा तर्क है जिसको गढ़ा गया है ताकि आप उसको सच मान लें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। ये पहली पॉलिसी थी। अब हम दूसरी पॉलिसी की बात करते हैं, एंड होमिनेम पॉलिसी। जी राजू, बताइए इसका मतलब। देखिए, होमिनेम में होमी जो वर्ड है आपने कई जगह सुना होगा, होमोसेक्सुअल या फिर होमोसेपियंस, तो इन सभी में, ये एक लैटिन वर्ड है होमो, इन सभी में होमो का अर्थ होता है मनुष्य। अब इसको अगर हम जोड़ लें एड होमिनिम, इसमें क्या होता है कि जब हम तर्क करते हैं तो हम तर्क के अंदर प्रतिवाद न करके, तार्किक प्रतिवाद न करके, जो तर्क कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उस व्यक्ति अथवा संस्था पर सीधे आक्षेप करने लग जाते हैं। जैसे जैसे कि अगर आप उत्तरांचल से हैं, आप ये कहेंगे कि जो है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा कि मैं इस बात पर नहीं आगे बहस करूंगा कि तापमान बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। मैं आपके व्यक्तित्व के ऊपर दोषारोपण या व्यक्तित्व से अपनी काट करूंगा कि आप इस बारे में कैसी बात कर सकते हैं। आप तो उत्तरांचल के हैं, आप तो ठंडे, हाँ ठंडे ठंडे पहाड़ों में, ठंडे इलाकों में रहते हैं, आपको इस सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। कुछ उदाहरण एक और बता रहा हूँ, जैसे जो लोग एसी रूम में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं वो मज़दूरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा चलता है कि दिल्ली में एसी के रूम में बैठ करके आप कैसे मजदूरों के बारे में पॉलिसीज बना सकते हैं। जी, तो ये भी पॉलिसी है एक। जी हाँ, झूठा तर्क गढ़ा गया है, झूठा तर्क गढ़ा गया उस संस्था के ऊपर। हम ये नहीं, आप वो पॉलिसी चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉलिसीज में से एक हो, लेकिन उसको बिना पढ़े और बिना उसके बारे में विवाद किए उस संस्था को, दोषारोपण देकर उस पॉलिसी को नकार दिया गया है। ये थी एंड होमिनेम फॉल्स, व्यक्ति के ऊपर, सीधे व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगा दिया जाए। आप किसी तर्क पर सवाल उठाएं तो उस तर्क पर बात न करके किसी व्यक्ति पर बात करने लग जाएं, आप पर आक्षेप लगाने लग जाएं, तो ये थी दूसरे नंबर की फॉलसी। तीसरे नंबर पर एक और तर्क देते हैं दाजू, तीसरी फॉलसी है, उसका नाम है स्ट्रॉमैन फॉलसी। देखिए, स्ट्रॉमैन और पॉलिसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रॉमैन आपने खेतों में देखा होगा कि नील गाय से या बंदरों से या चिड़िया से अपनी खेती को बचाने के लिए एक एक घास का पुतला लगा दिया जाता है। क्या वो असली पुतला होता है? नहीं होता है, वो एक प्रतिरूप होता है असली का। तो इसी तरीके से जब बातों के, जब वास्तविक बातों के बीच में एक कोई नकली बात डाल दी जाती है, और या तो जानकारी होती है बात डालने वाले को, वो बड़ी चतुराई से उन बातों को डालता है, या फिर उसे जानकारी नहीं होती है कि पुतला बन भी गया, पुतला खड़ा भी हो गया। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि एक पहला आदमी कहता है कि जो देश में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रहा है, अब दूसरे को इस बात पे ये बोलना चाहिए या कहना चाहिए कि इंटॉलरेंस के पक्ष में या विपक्ष में बात देनी चाहिए, लेकिन वो स्ट्रॉमैन किस तरीके से खड़ा कर देता है, कैसे विवाद के, कैसे बातों के बगल में एक और बात शुरू कर देता है। वो कहता है कि तब कहाँ थे जब 1984 में दंगे हुए थे, तब ये असहिष्णुता कहाँ गई, तब ये असहिष्णुता कहाँ गई। तो देखिए, उसको मौजूदा असहिष्णुता पर बात करनी चाहिए। जी, उन्होंने एक और मुद्दा खड़ा कर दिया 1984, जिसको आप कह रहे हैं उस पुतले की तरह खड़ा कर रहे हैं। जी, असली मुद्दे पर बात ना करके उस बीच में एक नया मुद्दा और नया नकली मुद्दा खड़ा कर दिया जाए। जी, तो जी, ये है स्ट्रॉमैन पॉलिसी। जी, कोई और उदाहरण इसमें जोड़ना जी, चाहेंगे? जी हाँ, एक और उदाहरण, जैसे स्ट्रॉमैन पॉलिसी का उदाहरण जब दिए जाते हैं तो दो लोगों का होना वहाँ पर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक कोई बात करेगा और दूसरा कैसे पुतला खड़ा करता है। देखिए, आप पहला कहता है कि मुझे तो लगता है कि टीवी के ऊपर
सेंसरशिप होनी चाहिए, बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है बिग बॉस जैसे धारावाहिकों का। तो दूसरा, जिसे बच्चों के पर असर पड़ रहा है या नहीं जानने के बजाय, वो ये कहता है तुम जैसे लोग ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो। तो आप बता सकते हैं मैं ये बात कह रहा हूँ कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है उससे बच्चों पर किस तरह असर पड़ रहा है, इस पर हमको बात करनी चाहिए, लेकिन सामने वाला इस बात पे बात नहीं करता। सामने वाला ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो उसका मतलब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हो। तो मतलब ये स्ट्रॉमैन, तो आपको लगेगा कि हाँ बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन असल में वो एक कुतर्क का सहारा ले रहा होता है। यही पॉलिसी है और ये पॉलिसी है स्ट्रॉमैन पॉलिसी। जी, अब हम अगली पॉलिसी की बात करते हैं, वो है फॉल्स डिलेमा या ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी। देखिए, आपको मतलब फॉल्स एक डिलेमा, यानी कि आपको एक असमंजसी स्थिति होती है या आपको आपको वास्तविकता के बारे में नहीं पता होता। इससे ज़्यादा बेहतर इसका जो अथवा में या ब्लैक एंड वाइट पॉलिसी के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है और इसको समझाना भी आसान होगा कि जो कुतर्क करने वाला होता है उसे ये लगता है कि दुनिया में केवल दो ही विकल्प मौजूद हैं। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, तो दूसरा अगर जो कुतर्क जो फॉल्स डिलेमा का या ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी का शिकार है वो ये कहेगा कि आप देशद्रोही हो। मैं ये कहता हूँ कि मुझे देखिए इस बात में सत्यता है या नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में पसंद नहीं है, तो दूसरा ये कहेगा अगर तुमको मोदी पसंद नहीं है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। यानी कि या तो मोदी को आप पसंद कीजिए ब्लैक और या फिर आप पाकिस्तान चले जाए वाइट, इसके अलावा आपके पास तीसरा विकल्प नहीं है। तो जब भी हम ये मान के चलते हैं केवल दो ही विकल्प हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान जाने की धमकी देने वाला तर्क कितना बुरा और कितना कच्चा है। अब हम अगली पॉलिसी की बात करते हैं, वो है अथॉरिटेटिव पॉलिसी। देखिए, जो भी हमारे प्रबुद्ध वर्ग होते हैं या जिनको भी समाज से हमारे द्वारा रिस्पेक्ट मिलती है, हम उनकी बातों को एक विशेषज्ञ की राय मान लेते हैं। विशेषज्ञ की राय में और इज्जतदार व्यक्ति की राय में अंतर होना चाहिए। अब जैसे कोई डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है और आप अमुक अमुक दवाइयाँ लीजिए, तो ये विशेषज्ञ व्यक्ति की राय होती है। लेकिन वहीं पे ही यदि यदि आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, माना आप बचपन में आप माता पिता की रिस्पेक्ट करते थे, अगर वो ये कहते हैं कि काली माता आएगी गला काट के जाएगी, तो ये आपका जो है पॉलिसी के अथॉरिटेटिव पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको वो सत्य लगता है। होने को ये लगता है कि नहीं, ये तो बचपन बच्चे ही इस बात से सहमत होंगे, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है, जिहाद करने वालों को 100 हुरे हम इसको मानते आए हैं। सत्य असत्य मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये असत्य है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ये सत्य है, लेकिन हम मान लेते हैं 100% सत्य, क्योंकि एक कोई बड़ा आदमी एक अथॉरिटी पर बैठा आदमी ऐसी बात कहता है कि अगर आप जिहाद करोगे तो आपको 100 हुरें मिलेंगी, तो आप मानने लगते हैं। या आपके घर में आपके बुजुर्ग दादा नाना नानी ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो काली माता आएगी आपका गला काट ले जाएगी, तो आप उस बात को सच मानने लगते हैं, तो ये भी एक पॉलिसी है। तो दाजी इन पॉलिसीज की बात इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आर्टिकल में एक 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 आर्ग्यूमेंट रखा, ये कह रहे हैं कि जैसे दुर्योधन और कृष्ण के बीच बातचीत फेल हो गई, नहीं हो पाई तो महाभारत का युद्ध हो गया, हिटलर और चर्चिल के बीच बातचीत नहीं हो पाई और बातचीत हो रही थी तो वो तर्कों पर आधारित नहीं हो रही थी, तो इसीलिए दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो इस तरह के दूसरा विश्व युद्ध या महाभारत जैसी बड़ी घटनाओं को रोकना है तो हमको तर्कों पर बात करनी होगी, तर्कों के पीछे के कुतर्कों को समझना होगा, उन कुतर्कों को समझने के लिए इन पॉलिसीज को समझना होगा। तो खूब बात करिए, खूब तर्क दीजिए, प्रतितर्क दीजिए, तर्कों के पीछे की सच्चाई समझिए। ये सब समझने के लिए हम आपके बीच एक और वीडियो लेकर आएंगे। इस वक्त ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।